वोटर कार्ड से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आई है और उसमें एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है जिसमें आप जाके एक वोटर आईडी बनवा सकते हैं और उसका करेक्शन भी करवा सकते हैं। अगर आपका जन्म 2002 या उससे पहले हुआ है तो आप बहुत ही आसानी से एक वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं और उसका करेक्शन भी करवा सकते हैं। तो आज मैं इंजीनियर राजा और मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप न्यू पोर्टल की हेल्प से अपना वोटर आईडी कार्ड बनाएंगे। चलिए इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मोबाइल या लैपटॉप में आप कोई ब्राउजर को ओपन करके इसमें आप टाइपिंग कर देंगे nvsp.com। अब वो कुछ इस तरह से साइट ओपन होकर आ जाएगा। तो आप सिंपली इस पर ओके कीजिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट इस साइट पर आएगा। आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि वोटर पोर्टल भिट्टा, तो आप वो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है तो आपको कुछ इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ आप मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल के यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं या अपने यहाँ पे फेसबुक, गूगल, ट्विटर या लिंक्डइन से भी आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। चलिए मैं गूगल से कर लेता हूँ। सिंपली आप मेरा यहाँ पर गूगल का ऑप्शन आ चुका है, चलिए मैं यहाँ से गूगल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, गूगल अकाउंट। इसके बाद यहाँ पर मैं क्लियर हो जाऊँगा। मैं देखिए यहाँ पर लिखा के आ गया कंग्रेचुलेशन न्यू वोटर पोर्टल पे। तो सिंपली यहाँ पर टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ वेलकम। तो आप देख रहे हैं कि मेरा कुछ इस तरह से ओपन होके आ चुका है। यहाँ न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, यहाँ कलेक्शन इन वोटर आईडी, यहाँ शिफ्ट टू अदर प्लेस, यहाँ देख रहे हैं रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी, यहाँ पर देख रहे हैं डिटेक्शन ऑफ वोटर आईडी। तो सिंपली हमको यहाँ पे वोटर आईडी बनाना, तो सिंपली हम वाली ये वाला सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ फर्स्ट नेम, यहाँ लास्ट नेम, यहाँ स्टेट और यहाँ जेंडर चूज करके यहाँ सबमिट। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ ये ओपन होके आ चुका है। इसके बाद यहाँ लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो ऑप्शन लिख रहा है, नो आई ऑलरेडी हैव वोटर आईडी, क्या आपके पास पहले से वोटर आईडी है। यहाँ पर देख रहे हैं कि नो आई एम अप्लाइंग फर्स्ट टाइम। तो अगर आपके पास पहले से है नहीं है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आई ऑलरेडी हैव वोटर आईडी, और यहाँ पर देख रहे हैं कि यस आई एम अप्लाइंग फॉर फर्स्ट टाइम। तो हमको फर्स्ट टाइम अप्लाइंग करना है तो हमको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सिंपल यहाँ सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीन ऑप्शन आ चुका है, यस आई एम इंडियन सिटीजन, क्या आप इंडियन सिटीजन हैं और अभी इंडिया में रहते हैं, या आप इंडियन सिटीजन हैं और अभी इंडिया में नहीं रहते हैं। यहाँ देख रहे हैं रेसिडेंशियल ऑथर इंडिया, या आप इंडियन सिटीजन नहीं है। चलिए मैं इंडियन सिटीजन हूँ और मैं इंडिया में हूँ तो मैं ये वाले सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और इस पर आप एक कोड आएगा, कोड डाल के इसको आप सबमिट करना है आपको। तो यहाँ से आप करिए ओटीपी सेंड। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर मोबाइल नंबर सेंड हो चुका है, सेंड ओटीपी, ओके करेंगे। यहाँ आपका ओटीपी आएगा, यहाँ आपको ओटीपी डाल देना है। तो सिंपली मैं यहाँ डाल दिया हूँ, यहाँ वेरीफाई ओके कर दीजिए। आप देख रहे हैं कि मेरा नंबर ये वेरीफाई हो चुका है और आपका कुछ इस तरह से ओपन होकर आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, इसके बाद यहाँ पे आपको ये डालना पड़ेगा, यहाँ मंथ, यहाँ आपको डालना पड़ेगा डेट, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट डालना पड़ेगा। इसमें जाके यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप जो भी डॉक्यूमेंट डालिएगा उसका यहाँ पर नंबर डालना पड़ेगा। इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट डालिएगा उसको यहाँ से आपको फाइल को अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप चूज कर लीजिए जो आप अपना प्रूफ में देना चाहते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन पासपोर्ट या मार्कशीट। तो यहाँ से चलिए मैं मार्कशीट चूज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ सिंपली एक्सेप्ट, यहाँ पर मार्कशीट का नंबर आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ सिंपली अपलोड करके यहाँ कंटिन्यू कर दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। और यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है आपका, मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ डिजी लॉकर का भी ऑप्शन है, तो यहाँ से आप डिजी लॉकर भी यहाँ से चूज करके यहाँ से डिजी लॉकर भी यहाँ से आप डाल सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे, तो यस करके आप यहाँ से डिजी लॉकर का भी ऑप्शन आ गया, तो यहाँ से आप डिजी लॉकर भी यहाँ से आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है,
जो जेंडर यहाँ से चूज कर सकते हैं, यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपका आ जाएगा। अगर आपका यहाँ पर कुछ गलती है तो आप गूगल इनपुट टूल से सही कर सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे तूफान में डॉट आ गया, तो मैं इसको गूगल इनपुट टूल से सही करके बताऊँगा। इसके बाद यहाँ पर आकर देख रहे हैं आपको जिस अवेलेबिलिटी है तो यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नो ऑप्शन कर लगा सकते हैं, इसका सेव एंड कंटिन्यू। चलिए पहले मैं यहाँ फाइल को अपलोड कर लेता हूँ, जो प्रोफाइल पिक्चर, तो मैं यहाँ से अब अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर लेता हूँ। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि क्रॉप का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपना फ़ोटो को यहाँ से जाकर क्रॉप कर सकते हैं और जितना चाहे उतना पर इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ फ़ोटो को आप रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ फ़ोटो का कोई लुक देख सकते हैं, जैसे ऐसे लुक कोई दे सकते हैं, जिधर से चाहे उधर से आप लुक दे सकते हैं फ़ोटो को। इसके बाद सिंपली यहाँ से भी मार्क जाकर देख रहे हैं, ये डायरेक्ट अप डाउन हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। सिंपली मैं इसको सेट करके यहाँ से सिंपली क्रॉप वाले पर मैं जाके यहाँ सिंपली अपलोड कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरा ये सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो गया है, और यहाँ पर देख रहे हो कि मेरा यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तो फाइल जी के मेरे पास मेरा नाम गलत है, तो मैं आपको अपने नाम को आपको सही करके दिखाऊंगा गूगल इनपुट टूल से। इसके बाद आप यहाँ पर डिसेबिलिटी पर चेक करके यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पर ओके करेंगे। चलिए मैं आपको इसको नाम को सही करके दिखाता हूँ। आप ब्राउज़र में टाइपिंग कर देंगे गूगल इनपुट टूल, इसे सर्च कीजिएगा, कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। इस पर आप सर्च कीजिएगा, कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ ट्राई इट पर ओके कर दीजिएगा, तो आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पर रखना चाहते हैं वो लैंग्वेज यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। चलिए मैं हिंदी रखना चाहता हूँ, मैं हिंदी चूज कर लूँगा, और यहाँ मैं टाइपिंग कर देता हूँ तूफ़ाइल। आप देखिए मैं टाइपिंग किया तूफ़ाइल, यहाँ तूफ़ाइल आ गया है। सिंपली क्या करना है आपको, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट कर यहाँ को कॉपी कर लेना है। इसका सिंपली यहाँ पर जाइए और यहाँ पे इसको डिलीट करके हटा दीजिए। यहाँ पे आप क्या करना है, पहले कंट्रोल प्लस भी करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे कंट्रोल प्लस भी कीजिए तो आपको यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस भी करके पेस्ट यहाँ पे कर देता हूँ। अब देखिए मेरा यहाँ पे सिंपली कंट्रोल प्लस भी करके यहाँ पे पेस्ट हो गया। आप ही इसी तरह बहुत ही आसानी से गूगल इनपुट टूल से आपका अगर नाम गलत आ रहा है यहाँ पे, तो आप बहुत आसानी से यहाँ पे सही कर सकते हो। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। इस पर यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका आ गया है, प्लीज़ इंटर योर वोटर आईडी नंबर इमीडिएटली। फैमिली का किसी का अगर हो तो यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ फैमिली यहाँ के इंटर योर नेम, इसका नेम डाल सकते हैं जिसका आप दीजिएगा वोटर आईडी। यहाँ रिश्तेदार का नाम डाल सकते हैं, इसके बाद नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि फादर, मदर, हस्बैंड, अदर, जो भी है जिसका भी आप यहाँ पर वोटर आईडी नंबर डालिएगा, तो इसके बाद इसको यहाँ से फादर, मदर, हस्बैंड, अदर पे चूज करके यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू। तो सिंपली देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिया हूँ, ये आलोक कुमार आ गया है। तो अगर आपको गलत आ रहा है तो उसी तरह गूगल इनपुट टूल से हेल्प कर सकते हैं। यहाँ मैं फादर में चूज कर लिया हूँ, इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। तो आप देख रहे हैं कि ये कुछ इस तरह से ओपन होकर आ गया है। यहाँ पर आप हाउस नंबर डाल सकते हैं, स्टेट, एरिया, लोकेलिटी, टाउन, विलेज, एरिया टाइप, जो किस टाइप का आप एरिया है, जैसे मैं सिटी है, टाउन है, विलेज है, उस टाइप का आप डालना है। यहाँ पिन कोड डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे स्टेट आपको चूज कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। इसके बाद असेंबली आपको चूज कर लेना है। इसके बाद आपको सिंपली नीचे ऑप्शन आ जाएगा सेव एंड कंटिन्यू, तो उसका ओके कर देना है। यहाँ से आप जो भी स्टेट में है तो यहाँ से आप स्टेट चूज कर लीजिए। इसके यहाँ से आप जाकर डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हैं। यहाँ से असेंबली अपने विधानसभा का नाम चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं, कहाँ यहाँ पर देख सकते हैं रेड वाला मार्क जो है इस बीच में लोकेशन है। इसके बाद यहाँ पर आप सिंपली आपको आईडी प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आईडी प्रूफ जाके यहाँ पर देख रहे हैं कि बैंक का, किसान पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन पासपोर्ट, इनकम टैक्स, लेटेस्ट रिटर्न एग्रीमेंट, लेटेस्ट वाटर, टेलीफोन, तो हम यही चूज कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली यहाँ नंबर इसको डाल देना है, इसलिए मैं यहाँ पर अपना नंबर यहाँ वहाँ पर नंबर डाल देता हूँ। सिंपली यहाँ पर आपको यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट को ओके करके यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना। चलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ मेरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद सिंपली यहाँ सेव एंड कंटिन्यू। तो आप देख रहे हैं कि आपको कुछ इस तरह से सब कुछ जो आपका फिलअप जो किए हैं वो पूरा ओके होकर आ चुका है। यहाँ पर बोल रहा है कि आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आप इंडिया के सिटीजन है? अगर है तो आप यहाँ इंडिया में कब से रह रहे हैं? तो यहाँ पर आपका यहाँ पे ईयर और यहाँ मंथ देना पड़ेगा। अब जो भी फिलअप किए यहाँ पर सब कुछ आ चुका है, तो आप इंडिया में जब से रह रहे हैं वो यहाँ पर आपका ईयर और यहाँ पर आपको मंथ चूज करना पड़ेगा। इसके बाद सिंपली यहाँ पर जाके यहाँ पर इंटर प्लेस और यहाँ पर अपना सिग्नेचर, अपना नाम डाल के यहाँ सेव एंड कंटिन्यू। तो आप देख रहे हैं कि मैं जितना फॉर्म जो फिलअप किया हूँ वो मेरा टोटल यहाँ पे आ चुका है, मेरा पिक्चर भी आ चुका है, और मैं जो भी यहाँ पे फिलअप किया हूँ वो मेरा टोटल यहाँ पे आ चुका है।
तो यहाँ से आप अपना फॉर्म को बहुत अच्छी तरह से रीड कर लीजिए, क्योंकि आपका यही रहने वाला है। यहाँ पर गलत कीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर आपका फॉर्म सब कुछ सही है रीड करने के बाद, तो आपको सिंपली स्क्रॉल करके यहाँ आकर सबमिट कर देना है। अगर आपको कुछ एडिटिंग करना है तो यहाँ पर आ जाके एडिटिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका से मैं बताया हूँ किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है। एडिटिंग करना तो यहाँ आना है, और आप सब कुछ सही है तो यहाँ पर सबमिट। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आप दे रहा है कंग्रेचुलेशन टू फेल। यहाँ पर आप देख रहे हैं सबमिटेड योर एप्लीकेशन न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका रेफरेंस नंबर दे दिया है, और यह आपका रेफरेंस नंबर हो गया। तो आप इसको आप बहुत ही सिंपल तरीका से इसको आप फोटो खींच लीजिए या वीडियो बना लीजिए, या इसको सेव करके आप अपने मोबाइल में डेस्कटॉप पर रख लीजिए। तो आपका ये नंबर जो दे दिया रेफरेंस नंबर, ये आपका आप जाएगा बीओलो के पास। बीओलो अपने लेवल से इसको सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद आपको अप्रूवल मिल जाएगा। इसको सर्च कहाँ करना वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका नंबर है। यहाँ से आप सिंपली इस पर जाइए, यहाँ से कॉपी कर लीजिए और अपने पोर्टल पर आ जाइए। पोर्टल पर आने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर दे रखा है कि आप ट्रैक एप्लीकेशन, इसको आप ओके करिए। ओके करने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि इंटर रेफरेंस आईडी, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर इसको आप पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद ये आपका यहाँ पर रेफरेंस आईडी आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रैक स्टेटस, इसको ओके कर दीजिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सबमिटेड हो चुका है, और यह फर्स्ट नेम, ये लास्ट नेम, स्टेटस और विधानसभा और फॉर्म 6 का आ चुका है। तो आप देख रहे हैं कि सबमिट हो गया है। इसके बाद ये बीएलओ के पास जाएगा, बीएलओ इसके बाद वेरीफाई करेगा। तो वेरीफाई करने के बाद ये आगे जाएगा, और आगे के जाने के बाद फिर इसको आप देख रहे हैं कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट यहाँ से आपके किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक प्रोसेस हो चुका है। इसके बाद ये थ्री प्रोसेस आपको और होगा। तो और इस तरह आपका जो है वोटर आईडी वो आपका बहुत ही आसानी तरीका से बन जाएगा, और यहाँ से आप अपना स्टेटस को बराबर चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए, और मैं आपके लिए लेटेस्ट और नया नया वीडियो लाता रहूँगा, और आप एंजॉय करते रहिए। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीके से न्यू पोर्टल की हेल्प से हम वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं और उसमें करेक्शन भी करवा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।